एवरीवन, तो एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि जंगजिंग नहा रहा था, तभी लिंची वहाँ बिना नॉक किए हुए डोर ओपन करती है। जंगजिंग चिल्लाते हुए डोर बंद करता है। लिंची बोलती है, सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। जंगजिंग कपड़े पहनकर बाहर आता है। लिंची बोलती है, तुमने कपड़े उल्टे पहने हैं। वो बोलता है, ये आजकल का फैशन है। लेकिन रूम जाकर उसे खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उल्टे कपड़े पहने हैं। नेक्स्ट सीन में जंगजिंग एक रूम में था। वहाँ बहुत अंधेरा था, बाहर बिजली चमक रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था और तभी कबर्ड खुलता है। वहाँ अंदर लिंची बैठी हुई थी। वो जंगजिंग के पास आती है और बोलती है, तुम मेरे दोस्त बन जाओ। वो जोर से चिल्लाते हुए उठ जाता है। एक्चुअली वो एक सपना देख रहा था। फिर वो पानी पीने नीचे आता है। किचन में वो देखता है वहाँ पे कोई है। वो डरते हुए उसके पास जाता है। वहाँ लिंची थी। दोनों जोर से चिल्लाते हैं। जंगजिंग लाइट ऑन करता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है, मैं पानी पीने आई थी, तभी मैंने तुम्हारे नीचे आने की आवाज़ सुनी, इसलिए मैं छिप गई थी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। जंगजिंग बोलता है, मुझे तो लगता है तुमने मुझे डराने के लिए ये सब कुछ किया। वो जाने लगता है तो लिंची बोलती है, तुम सॉस का बॉटल लेकर जा रहे हो। वो बोलता है, मुझे यही चाहिए था। लिंची रूम में जाकर फॉक्स से बात करने लगती है कि मैंने पहले ही दिन उसे पनिशमेंट दिला दी, उसे डरा भी दिया, ऐसे में मैं कैसे उसकी फ्रेंड बन पाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंसी आंटी से पूछती है कि क्या कल रात आपने कुछ अजीब सी आवाज सुनी थी? वो बोलती है, नहीं मैं तो सो रही थी, लेकिन पड़ोसियां इसके बारे में बात कर रही थी। इधर जंगजिंग ब्रश कर रहा था। वो कोलगेट की जगह गलती से लिंसी का फेस वॉश यूज कर लेता है। उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि पूरे टेबल पे लिंसी का ही सामान था। तभी लिंसी उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है तो वो गुस्से से बोलता है, तुम ही खा लो। लिंसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जंगजिंग की मॉम उसे बोलती है, तुम लिंसी को अपने साथ स्कूल लेकर जाना, और वो चली जाती है। जंगजिंग लिंसी को बोलता है, स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ रह रहे हैं, और वो वहाँ से जाने लगता है। लिंसी बोलती है, मैं कैसे जाऊंगी? वो बोलता है, तुम बस से आ जाना। इसके बाद रास्ते में जंगजिंग के पास एक लड़की ल्यूविन आती है। वो उसे स्टडी पे हेल्प करने बोलती है। दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। लिंसी ये सब कुछ देख रही थी, तब भी वहाँ जियांग आती है। लिंसी उसे पूछती है, जंगजिंग बहुत पॉपुलर है? वो बोलती है, हाँ दो तरह के लोग स्कूल में पॉपुलर होते हैं। पहला जो जेंटल और पढ़ाई में अच्छे हो, और दूसरा जो अच्छे दिखते हो और स्पोर्टी हो। और जंगजिंग में दोनों गुण हैं। क्लास में ल्यूविन लिंसी को बार बार देख रही थी। इसके बाद टीचर उन्हें स्कूल प्रोग्राम के लिए एक ड्रामा करने के लिए कहती है, जिसमें 6 लोगों को पार्टिसिपेट करना था और इसकी जिम्मेदारी जंगजिंग को देती है। इसमें सियंग, जियांग, ल्यूविन और लिंसी भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद वो ड्रामा पे डिस्कस कर रहे थे। जंगजिंग व्हाइट ब्लड सेल का रोल करता है। रेड ब्लड सेल को लास्ट में व्हाइट ब्लड सेल को हक करना था, इसलिए ल्यूविन बोलती है वो रेड ब्लड सेल बनेगी। लेकिन लिंसी सियांग को रेड ब्लड सेल बनने का आइडिया देती है, जो कि सभी को पसंद आता है सिवाय ल्यूविन के। नेक्स्ट सीन में ल्यूविन लिंसी को बोलती है कि जंगजिंग ने रिहर्सल के लिए ग्राउंड में आने को कहा है। लिंसी ग्राउंड पे सबके आने का वेट कर रही थी, तभी पीछे से ल्यूविन आती है और उसे दूर से देखकर चली जाती है। यानी ल्यूविन ने लिंसी को झूठ बोलकर वहाँ पे लाया था। यह जंगजिंग की मॉम लिंसी के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। वो उसे कॉल करती है लेकिन उसका फोन घर पर ही था। तब जंगजिंग उसे घर वापस लाने के लिए स्कूल जाता है। यह लिंसी वेट कर रही थी, तभी उसके पास एक लड़का किनकाई भागते हुए आता है। गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे। वो लिंसी को लेकर झाड़ी के पीछे छिप जाता है। उसका मुंह बंद किया हुआ था, इसलिए लिंसी उसके हाथ में काट लेती है और पूछती है, तुम कौन हो? वो बोलता है, मैं किनकाई हूँ, मैं तुमसे सीनियर हूँ। मैं चुपके से इंटरनेट कैफे में चला गया था, इसलिए गार्ड्स मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर वो बोलता है, तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि तुम मुझसे नहीं डरी। मैं इस स्कूल में बैड बॉय से फेमस हूँ। फिर वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिंसी बोलती है, मेरे एक क्लासमेट ने मेरे साथ प्रैंक किया है। इसके बाद दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। के बाद लिंसी घर वापस आ रही थी, तभी जंगजिंग भी वहाँ आ जाता है। उसे लेट होने के लिए वो डांट लगाता है। लिंसी उसे बताती है कि ल्यूविन ने उसे झूठ बोला था कि तुमने रिहर्सल के लिए उसे रुकने के लिए कहा है। वो बोलती है, अगर मैं नहीं जाती तो प्रैक्टिस कैसे होती? और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन करने लगती है। जंगजिंग बोलता है, तुम कितनी बातूनी हो। ये सुनकर उसे अपने भाई की याद आ जाती है, वो भी उसे बातूनी बोलता था। लिंसी उससे फिर से बातूनी बोलने को कहती है, लेकिन वो नहीं बोलता है।
नेक्स्ट डे स्कूल में लिंसी ल्यूइन के प्लेस को बार बार देख रही थी। फिर ल्यूइन स्कूल आती है और जैसे ही अपने बुक्स रखती है उसमें से आवाज आती है और सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वो लिंसी को गुस्से से देखने लगती है, फिर चेयर में बैठती है, उसमें से भी आवाज आती है, फिर से सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। इसके बाद वो स्टेज पर ड्रामा करने वाले थे, लेकिन अचानक से सियांग के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए उसका रोल लिंसी करती है और एंड में जंगजिंग को हक करती है। जंगजिंग उसे सियांग का रोल करने के लिए थैंक्स बोलता है। लिंसी उसे मिल्क टी लाने के लिए बोलती है। वो स्माइल करता है और उसके लिए दो कप्स लाता है। लिंसी खुश होती है कि उसने दो कप्स लाए है, लेकिन जब वो पहला कप पीती है तो उसमें चीनी नहीं होती है और दूसरे कप में सिर्फ दूध था। वो बोलता है, तुमने मिल्क टी लाने के लिए कहा था तो ये मिल्क एंड टी। लिंसी कप्स को साइकिल पे रख देती है। जंगजिंग वहाँ से जाने लगता है। लिंसी उसे रुकने के लिए कहती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो जंगजिंग का पैंट खोलते हुए गिर जाती है। जंगजिंग को बहुत एम्बैरेस फील होने लगता है और लिंसी को तो उसके पैंट पे सिंचैन बना हुआ देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।